हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू 50 एमसीक्यू हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। आप लोग एक शुरू से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट यानी टेक्नीशियन पोस्ट का जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर अच्छी तरह से नोट करते जाइए, एक एक करके मैं 50 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। आप लोग ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, और यदि मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आप लोग कितना सही कर रहे हो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि इसी वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करने, वर्क पावर एनर्जी। आप लोग जानते होंगे ये हमारा 5th डे है यानी 5वां दिन, कार्य शक्ति ऊर्जा, ठीक है। चलिए क्या रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इन ऑर्डर टू डू वर्क एनर्जीज, एनर्जी क्या है देख लीजिए। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर्ड और मूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर टाइप्स ऑफ। आप लोग सब जानते होंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ये है मैकेनिकल एनर्जी टाइप्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पेंडुलम बॉब्स स्टॉप मूविंग व्हेन ऑल इट्स ओरिजिनल गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड टू। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए, एम जी एच, ये हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। ये है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यानी उसका जो चार नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पावर इज डिफाइंड एज, आप लोग एक इसमें भी एक नोट करते जाइए, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी, ठीक है। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंस, एफिशिएंस का जो फॉर्मूला है यानी आउटपुट, यानी आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100%, ठीक है, यानी एफिशिएंसी इसका सही आंसर है। इसका जो कौन सा सही है, ये है सही है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फूड वी ईट, हम लोग जो खाद्य खा रहे हैं उसका कौन सा एनर्जी में काम कर रहा है। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केमिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कांस्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट गिवेन बाय प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टर्म इज वर्क डन। ऑब्वियसली कांस्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट यानी ये एक पाथ है, वहाँ पे एक मास है, ये उधर से उधर तक आ रहा है, एक फोर्स कार्य कर रहा है, एक फोर्स वहाँ पे लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है उसका जो वर्क डन हो रहा है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इतना फोर्स में इतना तक दूरी तक वहाँ पे रखा गया है, यानी कुछ कार्य हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पेंडुलम बॉब कैन नॉट अटेन इनिशियल हाइट बिकॉज, उसका जो सही आंसर है आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, इट कंटिन्यूअसली टू लॉस एनर्जी इन थर्मल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वाइंड एंड वेव्स आर यूज बाई टर्बाइन टू कन्वर्ट, क्या होगा उसका सही आंसर है, यानी जो कि पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा से क्या विद्युत ऊर्जा, ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नॉकिंग ए नेल इनटू वुडन ब्लॉक विथ हैमर इन्वॉल्व कन्वर्सन बिटवीन डिफरेंस फ्रॉम द एनर्जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस प्रेजेंट दिस कंजर्वेशन इन करेक्ट ऑर्डर। आप लोग रट लीजिए उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केमिकल देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देन काइनेटिक प्लस हीट एंड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम राइज्ड हाइट ऑफ 2h एबव द ग्राउंड लेवल प्रोसेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देख लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग क्या बताया था, एम जी एच, ठीक है, मास ग्रेविटेशनल हाइट, वहाँ पे हाइट दे रखा है कितना 2h, यानी एम जी 2h क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, व्हिच ऑफ हैज ग्रेटर काइनेटिक। ऑब्वियसली लाइट बॉडी है हमारा ग्रेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए कार स्टॉप स्ट्रेचिंग टू अवॉइड क्रैश विथ ए वैन चेंज इन्वॉल्व द प्रोसेस। ऑब्वियसली ये जो सही आंसर है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही होगा सही आंसर, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ ए बल्ब यूज एनर्जी 100 जूल रिमेन फॉर 25 सेकेंड पावर कंज्यूम्ड इन द बॉल। आप लोग देखते होंगे उसका जो इक्वेशन है यानी पावर का, पी इज इक्वल टू डब्लू बटे टी, यानी वर्क वहाँ पे जूल दे रखा है यूनिट का, उसका एकक क्या है वर्क का जूल, वहाँ पे बैठ लीजिए 100, उसका बाद देखिए टाइम कितना दे रखा है 25, यानी उसका 4 से काट जाएगा, होगा पावर का जो इकाई क्या होगा वाट, यानी 4 वाट उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग देख लीजिए जितना ही हमारे हिसाब से जितना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है उसको कि हम लोग वहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग तो सब्जेक्ट पढ़ा होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ इसका 50 MCQ करा लीजिए, बहुत बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी इफ मास ऑफ ए इज सेम एंड मास ऑफ बैंड स्पीड ए इज ट्वाइस एज मच एज डैट बी स्टेटमेंट डैट इज करेक्ट। उसका जो सही आंसर है देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी ही होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन स्प्रिंग और रबर बैंड इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी। एक रबर है या तो एक स्प्रिंग, उसका जो होगा ये होगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्मल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज राइज्ड टू अ सर्टन हाइट एबव ग्राउंड इट प्रोसेस, ठीक है। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही होगा सही आंसर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्या, जो वर्क डन हो रहा है ये किस किस बिटवीन में हो रहा है, ये किस किस मध्य में हो रहा है, ये एक पाथ है वहाँ का, एक फोर्स लग रहा है यानी फोर्स होगा, उसके बाद कितना ये मूव कर रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन में भी होगा, कितना एंगल में ये भी होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रेट, ठीक है।
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोसेस बाय सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज मीन पोजिशन, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पावर इज मेजर्ड ऑफ क्या, जो पावर इज मेजर फॉर द रेट ऑफ चेंज एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेबल द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसका ही सही आंसर आपसे ऑप्शन नंबर डी रिमेन द सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन केस द नेगेटिव वर्क एंगल बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या, उसका जो सही आंसर है आप लोग तो जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। नेगेटिव वर्क के लिए आप लोग मान के चलिए ये एक पाथ है, वहाँ का एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये उस दिशा में कुछ काम नहीं करेगा, यानी 0 से लेकर 8 डिग्री 180, वहाँ का 0 से लेकर 180 वहाँ पे नेगेटिव कार्य होगा, उसका जो राइट एंगल में ये है 0 कार्य हो गया, यानी उसका जो 45 एंगल में इसे 90 डिग्री को 0 से लेकर 90 डिग्री वहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड द क्या, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनिशियल वेलोसिटी। ये दोबारा रिपीट ए क्वेश्चन, पहले तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वाटर स्टोर इन डैम व्हिच प्रोसेस डैम प्रोसेस इज क्या, इसके पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg ब्लॉक लिफ्टेड वर्टिकली 1 mass बाय ए बॉय द वर्क डन, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9.8 joule कार्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ड्यूरिंग इंटर कन्वर्सन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन क्या, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन वी राइज अप हैमर एनर्जी प्रोसेस्ड इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर डी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सनलाइट एंड वाटर पावर सोर्स एनर्जी इज रिन्यूएबल, ठीक है, यानी अक्षत ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ए न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू जेनरेट इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बाय बर्निंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल वी गेट, जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल जब भी आग लग के जलेगा उसका क्या होगा, ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस ही होगा, ठीक है। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये छोटा छोटा, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग रट लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत बेहतर होगा आपका एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ ए बॉडी वर्क्स एट रेट ऑफ 1 joule per second देन पावर इज 1 watt, ऑब्वियसली मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सोलार एनर्जी कैन ऑल्सो कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलार सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एन इलेक्ट्रिक लैम्प प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक लैम्प लाइट देता है, हीट ही देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ज़्यादातर बेहतर क्वेश्चन ही वहाँ पर आ गया, 11 का सब्जेक्ट में आप लोग का लगभग 40 मार्क आ रहा है, MCQ 40 मार्क आ रहा है, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन एग्जाम में, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ज़्यादातर वहाँ पे आप लोग का स्कोर बन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा करे तो ज़्यादा स्कोर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी
एंड देन वर्क डन विल बी, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए सिस्टम व्हिच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू टोटल एनर्जी यूज्ड बाय इज कॉल्ड, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइडियल एनर्जी, आइडियल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे देख रहे हैं मैं, वहाँ पे देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी विथ मास एम वेलोसिटी वी, उसका जो इक्वेशन क्या होगा, उसका जो सही आंसर है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए, फिर मैं कह देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए एम जी एच, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, रट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिस्टम एज आउटपुट टू टोटल एनर्जी गिवेन टू इट इज टू इट एज इनपुट इज कॉल्ड इट, उसका जो सही आंसर है ए ही होगा, सही है एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट इज प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होम थिएटर वगैरह आप लोग देखते होंगे, होम थिएटर में जब भी वाइब्रेशन हो रहा है, जब भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो स्पीकर वाइब्रेशन हो रहा है थोड़ा, देखिए ये थोड़ी वाटर हो रहा है ना कि अभी हीट हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये थोड़ी हो रहा है ना कि, इसका गलत है, ये है हमारा सही है। ठीक है, ये बेसिक सा कुछ ही करते होंगे। ठीक है, आप लोग का मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी मेरे साथ आप लोग एमसीक्यू करा रहे हैं, आपका कितना सही कितना गलत है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि इसी वीडियो आप लोग को दिल से अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल बने रहने के लिए नीचे एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाए, और उसका आपको एक दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ सम एनर्जी गिव टू ए सिस्टम देन एनर्जी इन रिक्वायर्ड फॉर्म ऑब्टेन इज ऑलवेज, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेस देन द गिव इन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वर्क डन विल बी जीरो इफ द एंगल फोर्स एंड डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी ही होगा 90 डिग्री, यानी जो एंगल 90 डिग्री में जो वर्क होगा ये ऑलवेज भी जीरो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी टू, आप लोग सब जानते होंगे जनरेटर किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक के लिए, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोटर, इसका तो दे रखा है जनरेटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर क्या होगा, मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए वहाँ का कार्य हो रहा है। ठीक है, आप लोग जो ड्रिल फील्ड जो ड्रिल वगैरह सपोज ग्राइंडर ड्रिल, उसका क्या लग रहा है उसमें, उसके इलेक्ट्रिक मोटर लग रहा है, यानी ये हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी उसका मोटर ही होगा। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, इफ ए बॉक्स इज पुल्ड रोप मेकिंग ए एंगल सरफेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फ्रॉम बट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जरूर, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एनर्जी डैट कॉज्ड वाटर टू इवेपोरेट ऑफ सरफेस टू फ्रॉम वाटर वेपर्स इज नोन एज, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थर्मल एनर्जी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ख़त्म हो चुकी है 50 एमसीक्यू, इसका जो सब्जेक्ट हमारा था फिफ्थ दिन में, और जो पांचवा दिन में जो हमारा सब्जेक्ट था वर्क पावर एनर्जी करके, उसके पास एक बेल आइकन की जरूर
दबाइए, क्योंकि मैं इसी टाइप का वीडियो और जब अपलोड करा दूंगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपका मोबाइल में आपका पास में मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आज ही इतना, फिर मिलेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। उसका हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, मैं कह देता हूँ, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा हीट एंड टेम्परेचर का 50 MCQ, आप लोग उसका भी देखना का मत भूलो। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज ही उतना, फिर मिलेंगे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।